अगर आपको डिजी लॉकर के अंदर इस तरीके से लिखा आ रहा है मोबाइल आधार और पिन इज़ इनकरेक्ट प्लीज़ ट्राई अगेन, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे हटाओगे? तो वीडियो को यहाँ पे ध्यान से ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे हमने अभी मोबाइल नंबर डाली, यहाँ पे 6 डिजिट की पिन भी डाल दी, लेकिन यहाँ पे इस तरह से लिखा आता है। तो अब आप इसे हटाओगे कैसे और सॉल्व कैसे करोगे, तो ध्यान से वीडियो को समझिए जिससे कि आपकी प्रॉब्लम ज़रूर फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो अगर आपको ये दिक्कत आती है तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो आपका यूज़र नेम या फिर आपने जो मोबाइल नंबर डाला है, एक तो ये गलत है या फिर आपका पिन यहाँ पे गलत है। यहाँ पे ऐसा बताया नहीं गया है कि एक ही चीज़ आपकी कोई गलत है, तो अब आपको वो चीज़ ढूंढनी है कि आपकी गलत कौन सी है। ठीक है, तो अब कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, सही मोबाइल नंबर है। और मोबाइल नंबर अगर आपके पास याद नहीं आपने कौन सा लगाया था, तो सिंपली से आधार के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। ठीक है, आपका आधार नंबर एक ही होगा तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। और बाकी यहाँ पे 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन है, तो अगर वो भूल गए हैं तो यहाँ पे फॉरगेट सिक्योरिटी पिन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, आपका आधार खुद का नंबर डालना है। अगर आपका ऑलरेडी डिजी लॉकर पर अकाउंट बना होगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा, बाकी नहीं बना होगा तो यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा, देन आपको नया डिजी लॉकर पर अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो इसका ये प्रोसेस रहता है। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और समझ में आती है तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।